जो हमारे 22 मुखिया जी यहाँ पे राजनगर में हैं, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे ये जिम्मेदारी दी। उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। और जिस विश्वास के साथ उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, मैं उस विश्वास को कभी भी और किसी भी परिस्थिति में टूटने नहीं दूंगा और उनके साथ कदम से कदम मिला के काम करूँगा। हमारी ये टीम बनी है, बहुत ही मजबूत टीम है, और हम लोग प्रशासन के साथ और अपने मुखियागणों के साथ मिल के जो हमारे राजनगर प्रखंड का विकास का काम है, उसमें बहुत ही मजबूती के साथ हम लोग कदम से कदम बढ़ाएंगे। हमारे मुखिया सहयोगी मुखियागण हैं, सभी के साथ हम लोग बराबर रूप से काम करते थे। जिनको जो समस्याएं होती थी उनका निदान करने के लिए हम लोग साथ रहते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं KR न्यूज लाइव। मैं हूं बलराम सराफ। इस समय हम राजनगर थाना परिसर में हैं और राजनगर प्रखंड मुख्यालय में आज मुखिया महासंघ का चुनाव हुआ है। उस चुनाव में कोयलक के मुखिया शेखर सुमन को एक नई जिम्मेदारी मिली है। मुखिया महासंघ के अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। हम इनसे पूछते हैं कि आपको जो एक नई जिम्मेदारी मिली है, उसके अनुसार से आप इसको किस तरह से निभाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग जब पिछले टर्न में भी मुखिया थे, तो जितने हमारे मुखिया सहयोगी मुखियागण हैं, सभी के साथ हम लोग बराबर रूप से काम करते थे। जिनको जो समस्याएं होती थी उनका निदान करने के लिए हम लोग साथ रहते थे। आज जो मुखिया संघ का बैठक हुआ है, जिसमें हम अध्यक्ष बने हैं, राजेश भंडारी हमारे कोषाध्यक्ष और प्रवक्ता बने हैं, माननीय सविता चौधरी मुखिया सतघारा को उपाध्यक्ष बनाया गया है, मनोज यादव भड़िया बिशनपुर मुखिया जी को सचिव बनाया गया है, उसके बाद संतोष पासवान को ज्वाइंट सचिव बनाया गया है। तो जो हमारी ये टीम बनी है, बहुत ही मजबूत टीम है, और हम लोग प्रशासन के साथ और अपने मुखियागणों के साथ मिल के जो हमारे राजनगर प्रखंड का विकास का काम है, उसमें बहुत ही मजबूती के साथ हम लोग कदम से कदम बढ़ाएंगे और राजनगर के विकास में अहम योगदान देंगे अपना। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी शुभचिंतकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। महादेव बाबू श्रेष्ठनाथ प्रसाद ज्वेलर्स खेल प्रेमियों से एक निवेदन। राजनगर पब्लिक लाइब्रेरी पुस्तकालय परिसर में 26 जनवरी के शुभ अवसर पर 2 दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है। इस मौके पर आप सभी सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद के रूप में आप क्या कह रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे 22 मुखिया जी यहाँ पे राजनगर में हैं, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे ये जिम्मेदारी दी। उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। और जिस विश्वास के साथ उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, मैं उस विश्वास को कभी भी और किसी भी परिस्थिति में टूटने नहीं दूंगा और उनके साथ कदम से कदम मिला के काम करूँगा। नमस्कार, मैं गुंजन कुमार, महालिट उद्योग का प्रोपराइटर। आप समस्त राजनगर प्रखंड वासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामना देता हूं, और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मेरे संस्थान पर आके उच्चतम क्वालिटी की ईंट उचित मूल्य पर प्राप्त करें, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। चिमनी का पता है, ग्राम एकम्मा, पोस्ट गंगौर, थाना राजनगर, जिला मधुबनी। आप किस रूप में देख रहे हैं? बहुत अच्छी टीम है इस बार राजनगर के। और सबसे पहली बात यह है, यहाँ जो आज चुनाव हुआ, निर्विरोध सर्वसम्मति से सभी पद पर उम्मीदवार चयनित हुए और बहुत अच्छा काम होगा। मुखिया महासंघ का जो गठन किया गया है राजनगर प्रखंड मुख्यालय परिसर में, हम भी अपने चैनल के माध्यम से जो भी जनप्रतिनिधि को अलग से भार मिला है, उनको विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अपनी ओर से शुभकामना व्यक्त कर रहे हैं। फिर हम मिलते हैं किसी अन्य खबर में, तब तक आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए KR न्यूज लाइव। धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम पुष्पम प्रज्ञा है और आप सब मुझे देख रहे हैं KR न्यूज पर। मैं चाहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और एक बहुत ही अच्छी पहल है वोकल फॉर लोकल, और ये बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है जो कि मधुबनी जिला से लिया गया है। आई वॉन्ट यू ऑल गाइज टू अप्रिशिएट दिस एफर्ट एंड फॉलो आस पीपल टू फॉलो दिस चैनल, बिकॉज बढ़ेगा इंडिया, हर एक लोकल स्पेस बढ़ेगा, तभी कंट्री डेवलप होगा। और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और आप इसका बिल्कुल समर्थन करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर एक छोटे छोटे कोशिश को, एफर्ट को अप्रिशिएट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।